कुछ कहानियां भूत भविष्य और वर्तमान से परे होती हैं। भारत की जीत की महान गाथा अहिंसा के रास्ते लिखी गई है। हमें पढ़ाई छोड़कर अहिंसक आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। गुलामी से बेहतर अपने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करना। जौन कदम आगे बढ़ाए हो ना, उसका पीछे मत रखियो बस। भारत माता की जय। अहिंसा की ताकत से भी अपनी बात मनवा कर रहेंगे। माना कि हम सब हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते हैं और आप सब बापू के अहिंसा के रास्ते पर, फिर हमें देशद्रोही क्यों समझा जाता है? देशभक्त वीरों से भरी है भारत माँ की झोली। मैं समझता हूँ भले ही गरम दल वाले सिद्धांत की वजह से हमसे मतभेद रखते हों, लेकिन हम सबको मिलकर इकट्ठे काम करना है। आपके शिष्य लाल बहादुर शास्त्री बहुत कर्मठ है। मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। मेरी आत्मा अब ये गवाही नहीं देती। जिस देश के किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, वो देश आत्मनिर्भर कभी हो ही नहीं सकता। जय जवान जय किसान के नारे से ही देश की प्रगति संभव है। पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं हैं, पर अपने देश की आन पर बनाने पर उन्हें दिखा देंगे कि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम उनके घर में घुसकर उन्हें पराजित करेंगे। हम रहें या ना रहें, हमारा झंडा रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए।